हे गाइस, वेलकम टू एजेटेक। तो आज की वीडियो में जो मैं चीज़ें अनबॉक्स कर रहा हूँ, वही हमारे पास दो एम्फीज हैं। इन दोनों को मैं इसी वीडियो के अंदर अनबॉक्स करूँगा, बताऊँगा कि जो आईटेल वालों की एम्फीज हमारे पास आती हैं, इनकी क्वालिटी कैसी है, आपको लेनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपके पास इसके अंदर, बल्कि पहले इसका देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। तो डीप बेस है, सिंगल बटन कंट्रोल है, बिग साउंड है, कम्फर्टेबल ईयर टिप्स हैं। ओके, तो बाकी तो इसमें कुछ देखने वाली चीज़ है नहीं। तो मैं पहले इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो इसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें मेरी में समझ नहीं आ रही कि क्या क्या है इसके अंदर। तो पहले हम उसे ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ईयरबड्स हैं जो आप यूज़ कर लीजिएगा आपके अगर कानों के लिहाज से होते हैं। तो क्वालिटी, अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो नॉर्मल सी क्वालिटी मुझे लग रही है, केबल भी कोई इतनी ख़ास नहीं है। तो ये पहला आईटेल का प्रोडक्ट है जिसके बारे में ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं है। शायद अभी साउंड क्वालिटी के लिहाज से पता चलेगा कि ये कैसी है कि नहीं है। तो ये हमारे पास एक बटन है, शायद ये वॉल्यूम पॉज रिज्यूम और कॉल मतलब एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए है, तो सही है। तो बाकी इसकी जो पिन है वो भी वाइट है, गोल्ड प्लेटेड नहीं है। तो क्वालिटी वाइज अगर हम इसकी उसके बाद साउंड क्वालिटी चेक करते हैं, तब तक हम इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। ये हमें मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है विद मिक है कि इसमें माइक्रोफोन भी है। ठीक है, माइक्रोफोन तो सारों में होता है। अच्छा, तो इसमें माइक्रोफोन नहीं है। ओके, बल्कि इसमें माइक्रोफोन है, पता नहीं इसमें क्यों ना लिखा हुआ विद मिक माइक्रोफोन, तो इसमें भी है। तो सही है, अल्ट्रा ड्यूरेबल है, लाइट वेट है, ठीक है, सारा कुछ वही कुछ है। तो हम इसे पहले ओपन कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये हमारे ईयरबड्स मेरे इनके, और ये आई हमारी हैंड फ्री। तो अगर देखा जाए दोनों ऑलमोस्ट सेम है, हैंड फ्री, बस ये ऊपर से थोड़ा सा गेमिंग स्टाइल का बना हुआ है, थोड़ा अच्छे वाला लग रहा है मुझे। तो मैं पहले कानों में लगा के देखता हूँ कि फिट आता है कि नहीं। हाँ, फिट के लिहाज से काफ़ी अच्छा फिट आया है। तो अगर इसकी टिप की बात देखा जाए तो टिप इसकी भी गोल्ड प्लेटेड नहीं है, तो डेफिनेटली ये गोल्ड प्लेटेड ना हो तो ज़्यादा टाइम नहीं चलता। तो अगर प्राइस की बात करें तो मैं ये दोनों को इस तरह रख के आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ हमारे पास इसमें था और इस ये हमारे पास चार ईयरबड्स थे। ठीक है, इसमें भी हमारे पास ये वही कुछ है, चार ईयरबड्स हैं। ठीक है, और इसमें हमारे साथ ये आया है। तो इसकी अगर प्राइस आप देख पा रहे होंगे ये कितने की है जो उसके अंदर आई थी हमारे पास, ठीक है, और इसकी भी प्राइस आप देख पा रहे होंगे। तो अगर टेस्ट की बात करें तो मैं एक बार टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि कौन सी की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इनकी नॉर्मल है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ये बाय करें आईटेल के ये दोनों हैंड फ्रीज। बाकी आईटेल की जितने प्रोडक्ट की मैं रिव्यू कर चुका हूँ वो सारे कमाल थे, बस इन दोनों के अलावा। ठीक है, ये हैंड फ्रीज बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल आप समझ लो। और मैं आपको भी एक प्रो टिप देता हूँ कि अगर हैंड फ्री कैसे चूज़ की जाती है। तो अगर आपको हैंड फ्री लेनी है, सबसे मेन काम उसका देखिएगा कि इसकी टिप गोल्डन है कि नहीं। ठीक है, गोल्डन टिप से ये होता है कि आप ज़्यादा वो, इसका मतलब ये होता है कि आप उसे निकालते और रिजेक्ट करते रहते हैं, इंसर्ट करते रहते हैं, तो उससे कुछ भी इसे नहीं होता। ठीक है, अगर ये थोड़े अर्से के बाद ख़राब हो जाता है अगर ये नॉर्मल हो तो। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसकी भी गोल्ड प्लेटेड नहीं है तो डेफिनेटली कोई ख़ास इतना फ़ायदा नहीं है। तो बस अगर दूसरी, अगर मतलब बाय करते हुए मेन चीज़ जो देखी जाती है वो होती है इनका वॉल्यूम। आप इनको लगाएं, ठीक है, एक HD सॉन्ग जो है वो उसे प्ले करें या म्यूज़िक प्ले करें और वॉल्यूम को फुल कर दें। अगर आपके कानों में ना वो वॉल्यूम, अगर आप उसे सॉन्ग को ना बगैर हैंड फ्री के यूज़ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर आपको वो इरिटेटिंग नहीं लगता, लेकिन अगर आप हैंड फ्री लगा के उसे फुल वॉल्यूम करते हैं, तो अगर आपके वो कानों को चुभ रहा है, कानों में दर्द कर रहा है, या सही तरह से आपको मज़ा नहीं आ रहा सॉन्ग का, आपको समझ लगे, अगर आवाज़ फटना शुरू हो गई है, आप उस हैंड फ्री को कभी ना लीजिएगा, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। आपको एक 350 की भी एंट्री मिलती है जो बॉक्स में पैक होती है, बड़ी अच्छी तरह जैसे रोटेट इर्द गिर्द वो बंद होती है उसके साइड से, और ऊपर दोनों वो लगी होती है। वो मैंने 2 साल यूज़ की थी, मतलब उस वक्त मुझे पता नहीं था एंट्रीज का, उसकी सिर्फ बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी और बाकी कुछ भी नहीं था। जब से मैं रीमैक्स 610D बेस्ट हैंड फ्री, अगर आप लेना चाहते हैं, मैं हैंड फ्री मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। मैंने वो 4 साल यूज़ किए, 4 साल, और मैंने 4 हैंड फ्री वो चेंज किए। मैं जिम में हमेशा तोड़ता था वही वाली हैंड फ्री, मेरे सारे दोस्तों जिसने भी सुना है उसने वही वाली ली है।
मेरे दोस्त के पास नोट 8 था आई थिंक, सो उसकी जो ओरिजिनल एंट्री थी उसने वो वाली एंट्री छोड़ के रीमैक्स वाली चूज़ की थी, वो इतनी कमाल की एंट्री है, रीमैक्स 610D, अभी आप पिक्चर भी देख रहे होंगे उसकी। तो मैं नहीं रिकमेंड करता इन एनफीज को, लो ये बिल्कुल घटिया है, आप ये समझ लो इनकी केबल्स देखो, यही लगता है कि बस किसी ने हाथ से पकड़ा है ऐसे, तो धागे की तरह टूट जाएंगी। तो बस सही, आज की वीडियो के लिए इतना ही था, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं 10 एनफीज को मतलब कंपेयर करूँगा, कौन सी बेस्ट है, आपको कौन सी एनफी लेनी चाहिए। तो आप अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कौन सी एनफी मैं ऐड करूँ, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मतलब बता दीजिएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो डेफ़िनेटली आपकी सपोर्ट से ही कुछ बनता है, तो इस वजह से। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही था, अगली वीडियो का अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।